धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि इसका लाभ और लोगों को भी प्राप्त हो सके। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है औसत। क्या टॉपिक है भैया? औसत, एवरेज। औसत सीधी सी बात है, अगर हम लोग बात करें, अगर पूरे अंकगणित में बात करें, सबसे आसान टॉपिक ही औसत है। सबसे आसान टॉपिक ही कौन सा है? औसत से। इससे आसान टॉपिक कोई है नहीं। तो आपने ध्यान से देखना है औसत होता क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भैया वो फला हमारे गांव में एक लड़का आईएएस बन गया, तो चार पड़ोसी कहेंगे करे वो तो औसत से पढ़ने वाला था आईएएस बन गया। औसत से का मतलब ना तो होशियार ना बेवकूफ, बीच से में, तो उसको क्या बोलते हैं? औसत। क्लियर हुई बात? तो औसत होता क्या है, इसका एकमात्र फॉर्मूला है दिए गए परिमाणों। अब देखना दोनों बात शब्द है, परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। परिमाणों की संख्या दो शब्द है बेटे, यहां हिंदी को भी आप थोड़ा समझ लीजिए। एक शब्द है परिमाण और एक शब्द है परिणाम। इन दोनों शब्दों में मतलब सेंस लगभग एक जैसी आती है, लेकिन इन दोनों शब्दों में क्या है, अंतर है। इस शब्द का मतलब होता है रिजल्ट, इस शब्द का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। और इस शब्द का मतलब होता है डाटा। क्या होता है? डाटा। तो दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या का मतलब क्या होता है? औसत होता है। अगर किसी बच्चे के समझ में बात ना आई हो तो पूछे। आई? अब देखो, अगर परिमाणों की संख्या की औसत में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दिए गए परिमाणों का योग आएगा, आएगा रिजल्ट निकल के आएगा, परिमाणों का योग निकल के आएगा। तो आइए सवाल नंबर एक से हम लोग शुरू करेंगे। एक नंबर से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, उन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। जैसे अगर कोई क्रमागत संख्याएं लिखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 102, 104, 106, 108, तो इनका पूछता है औसत बताओ क्या होगा। भैया जब क्रमागत संख्याएं लिख रही हैं तो मिड वाला पॉइंट ही एवरेज होगा। मिड वाला पॉइंट ही क्या होगा? एवरेज होगा। या दूसरा इसका एक तरीका होगा, दूसरा एक तरीका होगा, जब क्रमागत हो, अंतर कितने का ही हो लेकिन होनी चाहिए कैसी? क्रमागत होनी चाहिए, तो अंतिम पद जमा प्रथम पद, अंतिम पद जमा प्रथम पद, 5 और 1, 6/2, अर्थात इसका औसत कितना आ गया? 3। अंतिम पद जमा प्रथम पद 100 जमा 108/2, अर्थात कितना हो गया भैया? 208/2 का औसत कितना आ गया? 100। इस बात को आपको ध्यान रखना। समझ में रही बात बेटे? कोई डाउट तो नहीं? सवाल नंबर एक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग पूरे इंटरेस्टेड होकर इस चीज को क्या करेंगे, समझेंगे और टॉपिक को कल आप घर से कर लाएंगे। कहता है कि 11, 23 तथा x का औसत 40 है। एक संख्या 11, एक 23 और एक x, और बताता है औसत कितना है भैया? 40। मैंने क्या बताया? औसत बराबर क्या होता है? दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो मैं लिखूं 11 जमा 23 जमा x बटे 1 परिमाण 2 परिमाण 3 परिमाण बटे 3 बराबर 40। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी क्या? तीन भाग में कहीं मजा आगा। 11 और 23 कितने होते? 34 जमा x बराबर 100। बच्चों क्लियर हो रही क्या बात? 34 प्लस का बराबर से दर ले जाओगे, काय का हो जाएगा? x बराबर 86। किसी बच्चे की समझ में सवाल ना आया वो पूछ सकता है। पक्की? रिमूव कर दो। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर आता है 2।
कहता है पांच कर्मागत संख्याओं का औसत माइनस पांच, पांच कर्मागत संख्याओं का औसत माइनस पांच, संख्या कितनी पांच, पांच कर्मागत नहीं सॉरी उसने कहा पांच संख्याओं का औसत कितना पांच, सॉरी संख्या पांच औसत बताया उसने माइनस पांच। कहता है यदि इनमें से तीन संख्याओं का योग पंद्रह हो, इनमें से तीन संख्याओं का योग कितना हो भैया, तीन का योग आपको दे दिया, तीन का योग आपको बता दिया कितना पंद्रह। मैं आपसे पूछूं यार मुझे पांचों की पांचों संख्याओं का योग निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, क्या निकाल सकते हैं हम लोग पांचों की पांचों संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ओ संख्या कितनी पांच, औसत कितना माइनस पांच, तो यहां ये परिमाणों का योग ही तो आएगा, परिमाणों का योग ही तो निकल के आएगा, पांच की पांच में गुणा करूंगा तो पांच बजे माइनस के पच्चीस। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी क्या? उसने कहा इनमें से तीन का योग पंद्रह है, इनमें से तीन का योग कितना है पंद्रह। अब एक बात बताओ अगर हम पांचों के योग में से तीन का योग घटाएं तो हमारे पास किसका योग बचने वाला है दो का, तो मैंने कहा शेष दो का योग बराबर माइनस पच्चीस माइनस पंद्रह अर्थात माइनस के कितने चालीस। क्या इतने बात सीखने में कोई प्रॉब्लम लगी किसी को? माइनस के कितने आगे चालीस, किसका आया योग माइनस चालीस दो संख्याओं का। अब नुकेन दो का औसत बताओ भाई, योग तो माइनस चालीस और बट संख्या कितनी है दो, दो तक भाग दे दो तो उत्तर कितना आ गया माइनस बीस। किसी बच्चे के समझ में ना बात आई हो मुझसे कंसल्ट कर सकता, ऑल क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट वन, सवाल नंबर तीन। कहता है सौ तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ सौ तक की विषम संख्याएं कही क्या वे कर्मागत संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? कर्मागत होंगी, सौ तक की विषम संख्याएं कर्मागत होंगी, वो अलग बात है कि डिफरेंस दो का होगा। सौ तक की कर्मागत संख्या एक तीन पांच सात निन्यानवे, सौ तक की विषम संख्या यही होंगी कि नहीं होगी। कहता है इनका औसत बताओ क्या होगा। औसत के बारे में क्या बताया मैंने आपको, दिए दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। मैंने कहा जब डिफरेंस समान हो, डिफरेंस समान हो तब अंतिम पद जमा प्रथम पद, निन्यानवे जमा एक बटे दो अर्थात सौ बटे दो अर्थात वैल्यू कितनी आ गई पचास। अब वो यही कह दे कि सौ तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, तो सौ तक की सभी सम संख्याएं कैसे चलेगी, दो चार छह आठ सौ, ठीक। तो आप सौ जमा दो बटे दो अर्थात एवरेज कितना निकल के आएगा इक्यावन। किसी बच्चे की समझ में बात ना आई वो कंसल्ट कर सकता, क्लियर हुई बात। सवाल नंबर तीन चार, तीन के प्रथम नौ गुणजों का औसत बताओ, तीन के प्रथम नौ गुणजों का औसत बताओ। डियर चाइल्ड आप समझ रहे हैं तीन के प्रथम नौ गुणज का मतलब क्या है, तीन के प्रथम नौ गुणज का मतलब क्या है, तीन एकम तीन, तीन दूड़ी छह, तीन तीन नौ, तीन हम सत्ताईस। कहते तीन के प्रथम नौ गुणजों का औसत बताओ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों गुणज का मतलब होगा तीन छह नौ बारह पंद्रह सत्ताईस लोग कहा उसने, वो तो भैया निन्यानवे लोग भी कह सके, वो तो निन्यानवे लोग भी कह सके, लेकिन मैंने आपको क्या बताया अंतिम पद जमा प्रथम पद बटे दो, सत्ताईस और तीन, तीन जमा सत्ताईस बटे दो अर्थात तीस बटे दो अर्थात पंद्रह। नो बताओ इतनी बात सीखने में कहां समस्या लगी, कोई डाउट है क्या, क्लियर हो रही बात सर। नेक्स्ट वन पक्का समझ में आई बात, ये सवाल नंबर आता है पांच। कहता है इसको आप खुद करेंगे, कुछ नहीं रूल कोई नहीं लगने वाला इसमें, जोड़ के भागी देनी है। सवाल नंबर छह ए बी सी डी पांच कर्मागत विषम संख्या है। आप सर कर्मागत सम और विषम लिखने जानते हैं क्या? मैं सिखाता हूं, कर्मागत संख्या एक दो तीन चार पांच, ये कर्मागत। सर विषम कर्मागत एक तीन पांच सात नौ,
सम दो चार छह आठ दस, विषम अभाज्य नहीं, विषम कही उसने। विषम का मतलब होता है जो दो से निकटती में सब क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। जो दो से विभक्त होती है सारी की सारी कैसी संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती है। डियर चाइल्ड समझ में बात आई कि नहीं आई? बच्चे हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे, इस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए ये तो मैं लिख दी संख्याएं, अगर अननोन हो आपको कहे कि पांच क्रमागत संख्याएं लिखिए, पांच क्रमागत संख्याएं लिखिए, तो आप पांच क्रमागत संख्याएं लिखेंगे कैसे? पहली क्या होगी x, दूसरी क्या होगी x प्लस टू सॉरी वन, देखो एक में एक जोड़ गई तो दो आऊगा, तीसरी x प्लस टू, ये x प्लस थ्री, ये x प्लस फोर। इतनी बात सीखने में कोई आउट डाउट आ रह गया? अब मैं बात करता हूं विषम पे, पहली मैंने मान ली कितनी x, या क्या होगी x प्लस दो, या क्या होगी, या क्या होगी, या क्या होगी। इतनी बात सीखने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी हो बताओ? अब हम बात करते सम पर, अगर इस दो को मैं x मानता हूं, चार लाने के लिए बताओ क्या जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस दो ही जोड़ना पड़ेगा भैया। हाँ बिल्कुल, ये बात बताने के लिए तो मैं समझाऊंगा, प्लीज। योर x का मान दो है, तुझे चार लाना, दो में कितने जोड़ेगा जब चार होगा, दो जोड़ेगा, इसलिए आया x प्लस चार, x प्लस छह, x प्लस आठ। अब आप देखेंगे सम और विषम एक जैसी है, मन में प्रश्न उठेगा कि सम और विषम एक जैसी है, भैया ये निर्भर करेगा इस वैल्यू पर, x पर। अगर x सम संख्या है तो उत्तर समान है, x विषम संख्या है तो ये सब विषम संख्या निकल के आएंगे, क्लियर होगी। उसने कहा पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो आपने पांच क्रमागत विषम संख्या लिख ली कि नहीं लिख ली? मैंने बताया कि मिड पॉइंट ही विषम विषम होता है, औसत होता है, सॉरी मिड पॉइंट ही क्या होता है। तो आप देखेंगे x प्लस चार क्या है, औसत है, x प्लस चार क्या है, औसत है। या दूसरा आप स्टेप ले सकते हैं, अंतिम पद जमा x जमा x जमा आठ बटे दो, एक एक्स एक एक्स, दो एक्स जमा आठ बटे दो, दो ही कम दो, दो चौक आठ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस। किसी बच्चे के समझ में बात ना आई वो पूछ सकता है, डाउट है कोई, समझ में आ रही बेटे बात? देखो अब ये उसने पांच कही थी, वो पंद्रह कह सकता है, तब आपका दिमाग उसी गति से जोड़ना चाहिए। पंद्रह कैसा, पंद्रह दूनी कितने होते हैं तीस, तो भैया अंतिम पद x जमा अट्ठाईस होगा और प्रथम पद क्या होगा x होगा। भाई अब यहां देखो आठ रख नहीं, दो चौक आठ हुए, समझ में आई ना बात? तो वहां भी पंद्रह दूनी तीस, तीस से दो कम लिख दो, कितने लिख दो अट्ठाईस, पांच दूनी दस, दस से दो कम ही तो आठ लिख रखे, पंद्रह दूनी तीस से दो कम लिख दो कितने आठ, सौ लिखे, सौ दूनी 200, 200 तो दो कम लिख दो कितने हो 198, 100 आप लिखोगे x जमा 198 बटे कितना दो। बच्चों समझ में बात आई कि नहीं? ओके नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आता है छह सात, ये तो छह मैंने पढ़ा, चार संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याओं का औसत पंद्रह, चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत कितना पंद्रह। एक बहुत आराम से सीखना, ए बी सी डी चार थी ये, इनमें से पहली तीन का औसत कितना पंद्रह, किस किस का, ए जमा बी जमा सी बटे तीन बराबर किसके पंद्रह, ठीक। तीन डिवाइड में लिखा काय में जाएगा, तो मैं लिख दू ए जमा बी जमा सी बराबर पंद्रह। बच्चों क्लियर हो रही क्या? अंतिम तीन का औसत 16, अंतिम तीन कौन कौन, बी जमा सी जमा डी, 16 थे। या बेटे इक्वेशन नंबर एक बनी क्या, या इक्वेशन नंबर दो बनी क्या, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगी क्या? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके अब उसने ही कहा किताब वाले ने कि यदि अंतिम संख्या 1900, किसका मान 19 रखूं, सी का रखूं, किसका रखूं, इसका मान 19 रखूं।
मैं कहता दोनों समीकरणों को घटाने पर, क्या करने पर, बी से बी गया, सी से सी गया, ए माइनस 19 बराबर माइनस के 3, ए बराबर 19 माइनस के दर्जा कई हो जाए प्लस 19 मतलब 3 गए 16, ए का मान कितना हो गया, यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर। किसी बच्चे को समस्या फील हुई हो पूछ सकता हमसे, बोलो कोई डाउट है क्या, मिटा दूं पक्का। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत कितना 38, तो भैया मैं क्या नू लिख दूं, 50 गुणा 38 बराबर 1900, कुल योग का लिया बेटे मन ने, इस बात को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, समझ में आ रही बात, औसत की और संख्याओं की गुणा कर दो, संख्याओं की औसत की गुणा कर दो तो कुल योग निकल के आता है। नुकैन में से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाता है, इसमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया, एक 45 छोड़ दी, एक 45 का मान छोड़ दिया, एक 55 का मान छोड़ दिया, तो कुल कितने मान छोड़ दिए 100, तो 1900 में तो कितना घटा दो, मान कितना रह गया, संख्या 50 की जगह कितनी रह गई बटे कितना 48। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी क्या, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का। आइए बढ़ते आगे, सवाल नंबर 9, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। यस, यहां सवाल में आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा कि आपके औसत काटना आवे कि नहीं आता, यहां आपसे नु पूछना चाह रहा है, तुम्हें नु भी पता गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, सब 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं, नुकैन का औसत बताओ, तो अभी तो क्या करना, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की, इन सब को जोड़ के और बटे कितना करना पड़ेगा, 5। यहां रूल नहीं अप्लाई कर सकते आप कुछ भी, क्यों नहीं कर सकते बताओ, अंतर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, अंतर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, यहां आप रूल अलग अप्लाई आप नहीं कर सकते। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत लगी क्या, नहीं लगी। सवाल नंबर आता है भैया 10, नुके 1 का स्क्वायर, किसका, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर का औसत बताओ। भैया औसत का फार्मूला आपने मुझे क्या बताया, दिए गए परिणामों का परिमाणों का योग बटे परिमाणों की, यानी कि अगर इसका योग मिल जाए मेरे को तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, औसत निकाल सकता हूँ, यानी कि मुझे सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसकी, योग निकालने की समस्या है, किसकी समस्या है, तो मैं आपको यहाँ रूल बता रहा हूं, देखो रूल तो डायरेक्ट औसत काटने का भी है, वर्गों के औसत काटने का भी रूल है, लेकिन फालतू चीज बताने से कंफ्यूजन मैक्सिमम हो जाता, मैं आपको क्योंकि वर्गों का योग कहीं भी पूछ सके यही यही जरूरी नहीं है, तो इसका रूल है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मैं वर्गों का औसत का रूल भी जानता हूं ठीक है नहीं उसकी, लेकिन मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं, क्यों नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि मोर बातें मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ज्यादा चीजें ज्यादा बिना मतलब जो है नुकसान करेंगी आपको, तो हम लोग एक ही ये रूल याद करते हैं, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे छ, ये रूल होता है, कितनी भी प्राकृत संख्याओं का योग काटना हो ये रूल हो, एन एन का मतलब अंतिम पद, 7, 7 और 1, 7 × 14 = 15/6, बच्चों को दिक्कत लगी क्या, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 8, 3 × 5 = 15, 5 × 20 = 140, यानी कि दिए गए परिणामों का योग कितना आ गया 140 आ गया, दिए गए परिणामों का योग कितना आ गया 140, औसत पूछे 140/7, अर्थात औसत कितना आ गया 20, अगर मैं इस अंक को हटा दूं तो औसत ही आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन कहां फिर हम एन हटाओगे कहां हम एन लगाओगे हमें कुछ पता नहीं रहने का, इसलिए हम क्या रखें वर्गों के योग का फार्मूला ही क्या रखें,
याद रखे टाइगर बेर क्या करना, जितनी पद दे रखे उनते क्या दे दो, भाग दे दो। कोई डाउट आ गया? नेक्स्ट वन, सवाल नंबर कितना? 11। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। ध्यान देना मेरे बच्चों बात पे, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27, तो इसका मतलब मिड वाला पॉइंट ही तो 27 होगा। और उन्हें कह रहे कि क्रमागत, तो मैं यहां मिड में लिख देता हूं 27। इसका मतलब इससे दो पहले सम होंगी और दो बाद में सम होंगी। नहीं समझ में आई बात? तो छोटी संख्या कितनी होगी? 24। अंतिम संख्या कितनी होगी? 30। कोई डाउट? अन्यथा एक्स एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, इन सब को जोड़ के चार ते भाग दे के और बराबर कितना दर दो? 27। नूल करो। लेकिन आपके इतने कंसेप्ट बन जाना चाहिए कि उसने क्रमागत कह रखी, सम संख्या कितनी बता रखी? 27। नहीं समझ में आई बात? अरे क्लियर है क्या बात? पक्का? तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल से। नेक्स्ट सवाल आपको बताना खुद। नुगर अब्बार अरंबर दुकेरा, सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33। कितनी? सात क्रमागत संख्याओं का औसत कितना? 33। सात क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्या आई तो इसका मतलब मिड वाला कौन सा होगा? 33। इससे पहले वाला 32, 31, 30, 34, 35, 36। तो बड़ी पद कौन सा हो गया? 36। किसी बच्चे को समझ में ना आई हो आप पूछे। डन, चलो आगे। नेक्स्ट वन कहता है दो संख्याओं का औसत एम, हमको नहीं मालूम कौन सी संख्या है, एक ए एक बी बटे दो बराबर एम। औसत का ही तो फार्मूला, औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ए प्लस बी बटे दो बराबर क्या? एम। अब मैं आपको कह दूं भैया ए प्लस बी बराबर दो एम, उसने कहा यदि एक संख्या है नो एन जमा बी बराबर दो एम और बी बराबर दो एम माइनस एन। इतनी बात सीखने में किसी को कोई प्रॉब्लम लगी हो बताओ? क्लियर? यहां से आगे बच्चे कल हम लोग परसों कल 9 बजे आना, बंद कर देना, कल हिंदी की क्लास चलेगी।